अप्पा बताते थे कि 1920 में हमारे देश में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। उनका प्रस्ताव था कि अहिंसा के माध्यम से सिविल डिसोबीडियंस की जाएगी। पूरा देश उनके साथ था। लोग अपना व्यापार, काम, नौकरी सब कुछ त्याग कर उनके साथ हो चले थे। जब भारत में आजादी का आंदोलन चल रहा था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था, यहाँ ऐसा इतना टर्बुलेंट टाइम था भारत में, भारत के एक नेबरिंग कंट्री में इतना बिजनेस और हसलिंग, वो लंदन ऑफ द ईस्ट बोल के एक सिटी था जहाँ इतना बिजनेस चल रहा था, वो था रंगून। क्योंकि भारत के उस समय में कैसा वातावरण था उससे बहुत अलग था रंगून में, इसलिए जो लोग भारत से वो अपने आप काम करना, बिजनेस करना चाहते थे, वो लोग सब वहाँ रंगून जाते थे। मेरे अप्पा भी तमिलनाडु से अपने परिवार के साथ इंडिया छोड़ रंगून में आकर बस गए। रंगून के लोग और बर्मा के लोग हिंदुस्तान से इमोशनली अटैच थे, जिसको पुरानी लैंग्वेज में ग्रेटर इंडिया कहते हैं। तो बड़े हिंदुस्तान का रंगून भी एक हिस्सा था, बर्मा भी एक हिस्सा था। तो जब बर्मा अलग हो गया हिंदुस्तान से, तब बर्मा में रहने वाले सब लोगों की ये राय थी कि हमारा हिंदुस्तान आज़ाद होना चाहिए, और इसके लिए, इस मकसद के लिए वो गांधी जी को और उनके आंदोलन के लिए सहायता के लिए हमेशा आगे रहते थे। धीरे धीरे अप्पा रंगून में एक सोने की खान के मालिक बन गए, पर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के साथ जुड़े रहे और अपना सहयोग देते रहे। एक शाम हमारे घर कुछ मेहमान आए, पर उसी दौरान रेडियो पर एक ऐसी खबर आई जिससे उस शाम का माहौल ही बदल गया। मुझे ठीक से समझ नहीं आया कि ऐसा क्या हुआ, पर रेडियो पे कह रहे थे कि भगत सिंह को फांसी की सजा सुना दी गई है। मैंने अप्पा और अम्मा को इतना दुखी पहले कभी नहीं देखा था। कौन था भगत सिंह और क्यों उसे फांसी हो रही थी? मैंने दूसरे ही दिन न्यूज़पेपर में पढ़ा भगत सिंह के बारे में, उनकी बहादुरी के बारे में। उनकी कहानी हर उस कहानी से ज्यादा प्रभावशाली थी जो मैंने पहले कभी सुनी थी। वो एक रेवोल्यूशनरी लीडर के हैंगिंग के बाद उन्हें इतना स्ट्रांग हो गया कि अपना फीलिंग, क्योंकि वो रेवोल्यूशन से ही हमें चेंज मिलेगा, वो अहिंसा से कुछ नहीं होगा। वो उनके पिताजी अहिंसा के बारे में जितने बोल रहे थे, महात्मा गांधी के बारे में जितने बोल रहे थे, क्योंकि ये बिल्कुल उसमें उससे वो उस साइड से शी कुडंट मूव टुवर्ड्स द फॉलो हिम और एग्री विथ हिम। मैंने भी भगत सिंह की तरह बंदूक उठाई, मन ही मन अंग्रेज मेरा निशाना थे। पर उस दिन हमारे घर कोई आया। जब सरस्वती 10 साल की लड़की थी, तब उनके घर में एक स्पेशल मेहमान आए थे। वो स्पेशल मेहमान था महात्मा गांधी। क्योंकि सरस्वती के पिताजी फ्रीडम आंदोलन के लिए बहुत सारे धन भेजते थे, अपना सपोर्ट देते थे, इसलिए महात्मा गांधी जब रंगून आए इनके घर में सबको देखने के लिए, वो पिताजी को और बाकी सबको देखने के लिए वहाँ गए। जब महात्मा गांधी घर आ रहे थे, सब लोग इकट्ठे हो गए उन्हें मेहमान को वेलकम करने के लिए, सिवाय एक लड़की, वो थी ये 10 साल की सरस्वती। वो बाहर लॉन में अपने आप शूटिंग प्रैक्टिस कर रहे थे। गांधी जी को मेरे हाथ में बंदूक देखकर अच्छा नहीं लगा। उन्होंने मुझसे कहा कि हिंसा का रास्ता हमें सिर्फ बर्बादी की ओर ले जाएगा, उसे त्याग देना चाहिए। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, पर मन ही मन सोचा कि अंग्रेज जो हिंसा करते हैं उसका क्या? क्या वो गलत नहीं? उन्हें भी तो सजा मिलनी चाहिए। जब गांधी जी चले गए,
मैंने फिर से निशाना लगाया। इतना फॉलोवर्स महात्मा गांधी को भारत में था, मगर ये 10 साल की ये लड़की को उनका मन चेंज करना उन्हें मुश्किल हो गया। और वो वापस, जब महात्मा गांधी वापस अंदर गए, ये बात फिर से अपना शूटिंग प्रैक्टिस शुरू किया। भगत सिंह को दी गई फांसी का विरोध सिर्फ एक ही लीडर ने खुले शब्दों में किया, और वो थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी की विचारधारा गांधी जी से अलग थी। वो अहिंसा में नहीं बल्कि डायरेक्ट एक्शन में विश्वास रखते थे। उनके भाषण सुन के ऐसा लगता था कि अंग्रेजों को मुकाबले की टक्कर देने वाला आखिर कोई आ गया। मैं नेताजी की सपोर्टर बन गई। अखबार में छपी उनकी हर फोटो और भाषण मैं संभाल के रखने लगी। नेताजी आर्मी बना रहे थे। उनका कहना था कि हर देश जो आजाद होना चाहता है उसे अपनी आर्मी बनानी चाहिए। उन्हें विश्वास था कि ब्रिटेन जैसा देश जिसपे कभी सूर्य अस्त नहीं होता उसे भी हराया जा सकता है। नेताजी को अपना लीडर मानकर मैं इंतजार करने लगी कि कब मैं भी उनकी आर्मी का हिस्सा बनूंगी। नेताजी का व्यक्तिमत्व एक जादू भरा था, जैसे कि कोई एक मैजिशियन आया है और ये मैजिशियन के पीछे सब लोग जाते हैं, वैसा नेताजी का व्यक्तिमत्व था। मेरे स्टडीज में मैंने देखा है कि रंगून के पास जियावादी नाम का एक गांव, डिस्ट्रिक्ट प्लेस है नाउ, एक 2-3 घंटे की दूरी पे है। वह एक शुगर फैक्ट्री थी, वो इंडियन लोगों की शुगर फैक्ट्री थी। दास करके बिहार के लोग थे, उन्होंने नेताजी के गवर्नमेंट को पूरी ब्रिटिश ये शुगर फैक्ट्री अर्पित कर दी। तो शुगर फैक्ट्री में काम करने वाले लोग, उनके बच्चे, घर में बैठी हुई माताएं, लड़कियां, सब लोग उन ये बड़ी मूवमेंट में शामिल हुए। और सब बच्चे बहुत चाहते थे नेताजी को, और उसका कारण ही नेताजी का जादू भरा व्यक्तिमत्व, आज़ाद हिंद के गाने, नेताजी ने दिखाए सपने, ये सबका एक ऐसा बड़ा परिणाम था वो। मैं नेताजी के भाषणों का एक एक शब्द याद करके लिखती थी ताकि उनकी कही हर बात मैं याद रखूं। मैं रोज प्रतीक्षा करती कब नेताजी रंगून आए और कब मेरी उनसे मुलाकात हो। कभी कभी मैं ये भी सोचा करती कि उनसे मिलूंगी तो कहूंगी क्या, शायद सीधा उनका दिया नारा जय हिंद कहकर उन्हें सल्यूट करूंगी। मैं प्रार्थना करने लगी कि वो दिन जल्दी आए। नेताजी बूढ़े से बच्चे तक सबको हिंदुस्तान के स्वतंत्रता के जंग में शामिल करना चाहते थे, और नेताजी की मेन जो स्ट्रेटेजी थी तो हिंदुस्तान पे मुकाबला करना, हमला करना। उसके कारण वो इम्फाल और कोहिमा से बाहर से आना चाहते थे, और भीतर से रिवोल्यूशन होने के लिए उन्होंने कुछ जासूद, अपने सहयोगी, अपने दोस्त, अपने गुट के लोग सिंगापुर से, जापान से, बर्मा से हिंदुस्तान में भेजे थे, जो 1942 से इधर आके बैठे थे और सुभाष बाबू बॉर्डर पे कब आते हैं इसकी राह देखते रहे वो लोग। इस स्ट्रैटेजी के लिए जापान ने अपनी आर्मी दी थी नेताजी के साथ में। जनरल टोजो उस आर्मी के प्रमुख थे, और करीबन 80,000 फोर्स, जापानीज फोर्स, ये नेताजी के साथ था। और नेताजी की आज़ाद हिंद फौज थी वो 40,000 की थी, और ये 40,000 नेताजी को कहाँ से मिले, उसमें से 30,000 जो युद्ध कैदी थे, युद्ध कैदी माने जो ब्रिटिश लोगों के लिए लड़ने के लिए गए थे और बाद में जिनको गिरफ्तार किया था जापानीज लोगों ने, उनका छुटकारा करने के बाद नेताजी ने उनको प्रभावित किया था। तो दुनिया के हिस्ट्री में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि एक आर्मी
एक सेनानी के अंडर लड़ने के लिए, एक राजा के झंडे के नीचे लड़ने के लिए बाहर निकली और वो दूसरे को शामिल हुई, और इतने तौर पर। ये पहला उदाहरण है कि युद्धबंदी से, युद्ध कैदी से आज़ादी का स्पुल्लिंग जगाते हुए नेताजी ने इतना बड़ा काम किया, ये उनका स्ट्रैटेजी का हिस्सा था। कुछ ही महीनों बाद मेरी तमन्ना पूरी हुई। स्कूल से आते वक्त मैंने सुना कि नेताजी रंगून आ रहे हैं। 12 महीने पहले जो पूर्ण संग्रहण और परम बलिदान का नारा उन्होंने लगाया था, उससे बहुत अच्छी उन्नति हुई थी, और उनका मानना था देश को आजादी मिलने का सपना सच होने ही वाला है। नेताजी कह रहे थे कि हमारे अंदर एक ही इच्छा होनी चाहिए, मरने की इच्छा, ताकि भारत जी सके। वो कह रहे थे कि मैं आपसे आपके खून की मांग करता हूँ। खून, और सिर्फ खून ही आजादी की कीमत चुका सकता है। उन्होंने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी का वो इतना, वो स्पीच में इतना इम्प्रेस हो गया और इतना एक्साइटेड हो गया कि वो स्पीच के बारे बाद नेताजी ने बोला, तुम सब लोग हमें डोनेशन दे दो। काश मैं भी नेताजी को अपना खून उसी वक्त दे सकती, पर फिलहाल INA का कैंप डोनेशन के लिए लगा था, और उनके इरादों को और मजबूत करने के लिए मेरे पास जो मेरा अपना था मैंने दे दिया। सरस्वती अपने, वो तो इतने अमीर घर में थी, उनके बहुत सारे गहने थे और डायमंड और गोल्ड सब निकाल के उनको दे दिया। चकित होके उन्होंने मुझसे मेरा नाम पूछा। मैंने कहा, राजा मणि। एक बार नेताजी चंदा इकट्ठा करने के लिए डायस पे खड़े थे भाषण के बाद, और कुछ लोग आए, कोई 2 लाख दे रहा है, कोई करोड़ दे रहा है, कोई 50 लाख दे रहा है, कोई गहने 1/2 किलो शेर गहने दे रहे हैं। ऐसा एक बड़ी कतार है उधर, और एक भिखारन जैसे एक बुढ़ी माँ आती है और उसके हाथ में खाली 2 रुपये थे। तो नेताजी ने देखा, वो थरथराती हुई बुढ़ी माँ नेताजी के पास आई। नेताजी ने उनकी तरफ देखा, शानवाज भी देखने लगे, और उनको लगा कि ये भिखारन इतनी टूटी फूटी ड्रेस में है कि उससे 2 रुपये लेना ये पाप है, और नेताजी लेते हैं या नहीं लेते मैं देखूँ। वो देखते रहे। तो नेताजी ने क्या किया कि उस माँ के हाथ की 2 रुपये की नोट अपने हाथ में ली, अपने कपाल को लगाई और उसके पाँव छुए और उस 2 रुपये का स्वीकार किया। उसी रात को आर्मरी कैंप में शानवाज ने नेताजी को पूछा कि बाबा जी क्या जरूरत थी, वो दोपहर 2 रुपये से क्या फर्क पड़ने वाला था। तो नेताजी हंसे और बोले कि नहीं शानवाज, इससे बहुत फर्क पड़ता है कि उस माँ को लगना नहीं चाहिए कि उनका नेताजी और उनका आंदोलन खाली अमीर जादों का है, वो गोर गरीबों का भी है, अपना है। उस अपनापन के लिए मैंने वो 2 रुपया स्वीकार कर लिए। स्कूल से घर आई तो पिताजी के साथ कोई बैठा था, वो नेताजी थे। नेताजी, नेताजी को घर पे बैठा देख मैं दंग रह गई, मेरे मुंह से कुछ नहीं निकला। वो हमारे घर मेरे गहने लौटाने आए थे। मैंने उनसे कहा कि आप कहते हैं ये आंदोलन सबका है, तो ये गहने आपको लेने ही पड़ेंगे। जैसे महात्मा गांधी इनके घर गए थे, वैसे नेताजी भी, वो
जितना गहना वो सरस्वती वहाँ डोनेट करके गए थे वो पूरा लेके इनके घर आई और पिताजी को दे दिया और बोला आपके लड़की ने ये पूरा इतना सारा गहना हमें देके गई, आप वापस रख लीजिए। ये देखकर सरस्वती को इतना, वो लड़की 16 ईयर ओल्ड सरस्वती को इतना गुस्सा हो गया और वहाँ आके नेताजी को बोला आप क्यों मेरा गहना, मैंने आपको ये गहना दिया है, आप क्यों मेरे पिताजी को वापस दे रहे हैं। फिर उन्होंने बोला ये तो इतना महंगा है, आप क्यों ऐसे इतने सारे डोनेट कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपके पिताजी को दे रहे हैं। नहीं नहीं ये मेरा गहना है, आपको उन्हें वापस करना नहीं चाहिए क्योंकि मैंने आपको दिया है, आपको ये रखना है। फिर मैंने कहा कि ये गहने मैं तभी वापस लूंगी जब वो मुझे अपनी आर्मी में शामिल कर ले। उस समय स्कूल से ज्यादा जरूरी देश की सेवा करना था और अप्पा ये समझते थे। नेताजी ने फिर से कहा कि मैं बहुत छोटी हूं। मैंने उनसे कहा कि मैं भी देश के लिए कुछ करना चाहती हूं। इतने लंबे इंतजार के बाद मैं नेताजी को बिना हां कहे कैसे जाने देती। आखिर वो मान गए और देश का सिपाही बनने का मेरा सफर शुरू हुआ। इतना जिद्दी से वो बात किया और नेताजी इतना प्रभावित हो गए, बोला आप देवी सरस्वती जैसे बात कर रहे हैं, वो लक्ष्मी तो आते जाते हैं, सरस्वती एक बार आए तो कभी आपको छोड़ के नहीं जाते, इसलिए मैंने आपका नाम राजामणि से सरस्वती रख दिया। ये एक इन्हें जब इन्हें पैदा हो गई, राजामणि था इनका घर में घर का नाम और राजामणि से ही सब लोग उन्हें जानते थे और पुकारते थे, मगर उस दिन नेताजी ने इन्हें राजामणि से सरस्वती बना दिया। मुझे सबसे पहले नर्सिंग की ट्रेनिंग दी गई INA के घायल सिपाहियों की देखभाल करने के लिए। नेताजी से जुड़ने के लिए मुझे सब कुछ मंजूर था। अप्पा और अम्मा को खुशी थी कि मुझे इतना सब सीखने को मिल रहा है। पहला काम इन्हें दिया था वो नर्सिंग में थे, वो वही नर्सिंग, मगर सरस्वती जैसी लड़की थी वो उस काम में बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं थी क्योंकि उन्हें एक्साइटमेंट चाहिए थी। वो INA में मेंबर होके वो उसमें एक भाग लेके अपने आप कुछ दूसरा कुछ एक्साइटिंग काम करना है, वैसे ही था। पर उस दिन मैंने INA के एक सिपाही को एक अंग्रेज सिपाही से कुछ बात करते देखा। अंग्रेज सिपाही ने उसे कुछ पैसे भी दिए। ये बात नेताजी को बताना जरूरी था। जब वो वहाँ काम कर रहे थे उन्होंने नोटिस किया था, लोग वैसे ही जाते हैं इन्फॉर्मेशन किसी को बोलते हैं वैसे, मगर स्पाइस जैसा काम कर रहे थे वो, इन्होंने नोटिस किया और नेताजी को बोला यहाँ मैंने देख रहे हैं लोग ऐसे कुछ तो इन्फॉर्मेशन पास कर रहे हैं। INA का ट्रेनिंग कैंप रंगून शहर से कोई 7 मील दूर था। वहाँ जाना मुझे बहुत अच्छा लगता था, वहाँ मेरे जैसे बहुत सारे युवक दिखाई देते थे। मन ही मन में चाहती थी कि नेताजी मुझे भी वहीं बुला ले, मैं भी नेताजी की सिपाही बन सकती थी अगर मुझे मौका मिलता तो। मैं उन्हें ये साबित कर देना चाहती थी। मैंने नेताजी को बताया जो मैंने डिस्पेंसरी में देखा था। नेताजी ने मुझ पे जरा भी अविश्वास नहीं किया, बल्कि मेरी बताई हुई बात पर पूछताछ करने को कहा। और फिर नेताजी ने वो कहा जो मैं कब से सुनना चाहती थी कि अब मैं भी उनके कैंप आकर ट्रेनिंग कर सकती हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने सचमुच ऐसा कहा। जब सरस्वती ने वहाँ जो चल रहा है उसके बारे में इन्हें बताया, उनको और मालूम हो गया कि एक नर्सिंग से ज़्यादा इनका इनसे दूसरा काम कर सकते हैं जो सरस्वती चाहती थी।
हमारी ट्रेनिंग शुरू हुई। सुबह 4 बजे उठकर हर तरह की ट्रेनिंग, हमें अलग अलग तरह की बंदूक चलानी सिखाई गई। मेरी जैसी वहां कई लड़कियां थी, उन सब में देश के लिए कुछ करने का जज्बा बहुत बुलंद था। वॉर सिचुएशन में या दुश्मन का सामना करते वक्त जो भी काम आ सकता है, उस सब की ट्रेनिंग हमें दी गई। वो दिन बहुत मुश्किल थे, पर मेरी जिंदगी के सबसे यादगार भी। हम सब एक ही सपना देख रहे थे। वॉर शुरू होने के साथ ही बर्मा के सभी स्कूल्स बंद हो गए थे, पर हमारे लिए नहीं। ये कैंप स्कूल से कहीं ज्यादा कड़क था। धूप हो या बारिश, ट्रेनिंग का रूटीन पक्का था, वो नहीं बदलता था। कैंप में ही मेरी मुलाकात दुर्गा से हुई। वो मेरी पार्टनर थी और हम सब कुछ साथ में ही करते थे। जिस जमाने में हिंदुस्तानी लड़कियां खाली साड़ी के सिवा कुछ नहीं पहनती थी, तब उसी जमाने में सैनिकों का लिबास नेताजी ने उनको दिया। और वहाँ के फोटो अगर आज आप देखोगे तो आप चौंक उठोगे कि ये कब आर्मी कैसी है ये लड़कियों की। ये मानना पड़ेगा कि दुनिया में विमेन्स आर्मी बनाने वाले पहले नेताजी है और दूसरा कोई नहीं है। जब मेमियो जो बर्मा का हिस्सा है वहाँ लड़कियाँ गई, तब नेताजी ने उनको कहा कि नहीं, तुम्हारे हाथ में आपको मैंने शिक्षा दी है, आपको पता है कि बंदूक कैसे चलाना है, लेकिन मैं आपको ये ऑर्डर नहीं दे दूँगा कि अपन बंदूक चलाए। तो ये सब लड़कियाँ इकट्ठा हो गई और उन्होंने अपने हाथ काट दिए और अपने खून से एक बड़ी अर्जी नेताजी को दी कि ये खून देखकर आप हमारा जजमेंट ले सकते हैं कि हम बॉर्डर पे लड़ेंगे या पीछे हटेंगे। तो फिर नेताजी प्रभावित हो गए और उन्होंने मेमियो के बगल में इम्फाल और कोहिमा में एक आर्मी में इनकी भी टोली, लड़कियों की भी जाने की मुबादी परवानगी दे दी। हम में से कुछ लड़कियों को रानी झांसी रेजिमेंट में भर्ती कर लिया गया, पर नेताजी ने मुझे और दुर्गा को एक खास काम के लिए चुना, जिसके लिए सबसे पहले हमें अपने बाल कटवाने पड़े। हमें पता नहीं था आगे क्या होने वाला है, पर नेताजी का आदेश हमारे लिए सबसे बढ़कर था। हम दोनों का हुलिया बदलकर बिल्कुल लड़कों जैसा हो गया। उसके बाद नेताजी ने हमें हमारा खुफिया मिशन बताया। वो चाहते थे कि हम अंग्रेजों के कैंप में उनके जासूस बनकर काम करें। उनका विश्वास देखकर उस दिन मैं अपने अप्पा की चहीती बेटी से देश की खुफिया सिपाही में तब्दील हो गई। स्पाइस 2-3 जगह थे। एक एक्चुअल बॉर्डर पे थे नेताजी, जो तभी भी नेताजी के अगेंस्ट जो हिंदुस्तानी ब्रिटिश लड़ते थे, ये ब्रिटिश इंडियन आर्मी में जो हिंदुस्तानी थे वहाँ के कुछ लोग नेताजी के लिए स्पाइंग करते थे। देन जापानीज का जो एडवांस फोर्स था उसमें कुछ लोग स्पाई करते थे। और ये राजामणि जैसे लड़की है, उनको जापानी ये ब्रिटिश गुट जाते हैं या आर्मी कैंप जाते वह भेजा जाता था, कई सर्वेंट के रूप में, कई पोस्टमैन के रूप में और कुछ सेवा के रूप में, पानी लेने वाली लड़कियां, देने वाली लड़कियां, और वहां से खबर इकट्ठा करना। मैं और दुर्गा रंगून से कोई 700 किलोमीटर दूर एक ब्रिटिश कैंप में आ गए। हमें यहाँ ऑफिस और हेल्पर बॉयज बनाकर लाया गया था। ब्रिटिश कैंप्स में ऐसे बॉयज की जरूरत काफी रहती थी। उन्होंने हमारे नाम पूछे। मैंने अपना नाम मनी बताया। उन्हें बता दिया गया था कि हम खाना बना सकते हैं, साफ सफाई कर सकते हैं और उनको शिकायत का मौका नहीं देंगे। मेरे मन में
बहुत घबराहट थी। अंग्रेजों को पता चल गया तो? पर हम दोनों को नौकरी मिल गई। सरस्वती और सरस्वती के फ्रेंड्स गर्ल्स नहीं, वो बॉयस बन के ही स्पाइस हो गए थे। वो सब बाल काट के बॉयस का ड्रेस पहन के, वो राजामणि, वो पहला उनका नाम राजामणि था, वो मणि, इनका नाम तो मणि था आफ्टर ही बिकेम ए बॉयस स्पाई। देखा जाए तो हमें हाउसकीपिंग के रूटीन काम दिए गए थे, लॉन्ड्री करना, जूते पॉलिश करना, साफ सफाई करना, पर हमारा मेन काम था अंग्रेज अफसरों की हर बात सुनना और हर जरूरी बात की रिपोर्ट INA कैंप पहुंचाना। अंग्रेजों का विश्व युद्ध में अगला कदम क्या होने वाला था, इस बात से जुड़ी जानकारी INA के लिए बहुत जरूरी थी। मैं और दुर्गा हर हो रही बात बड़े ध्यान से सुनते थे। धीरे धीरे हम निडर होते गए। ताले तोड़कर और कहीं भी घुसकर कोई भी जानकारी निकाल लेने में हमारा कौशल बढ़ता गया। पकड़े जाने का डर तो हर पल था, मगर अब हमने अपने आप को बचाना सीख लिया था। ब्रिटिश कैंप में और ब्रिटिशर्स के घर में, वहाँ जाके उनके आसपास रहने के लिए वो बॉयस ही बनना था, इसलिए वो बाल काट के बॉयस से ऐसा शर्ट और ट्राउजर्स पहन के वहाँ जाते थे। और सभी समय ये ब्रिटिशर्स के सामने ही होंगे, ऐसे वो घर में डस्टिंग करते थे, उनका बूट्स पॉलिश करते थे और टेबल डस्टिंग करते थे वहाँ। वो जब वो काम करते थे, उनका सभी समय कान वहाँ क्या चल रहा है, वो लोग क्या बातें कर रहे थे, वही उसमें ही ध्यान सभी समय वही थे। वो जो कहीं भी ऐसा एक इन्फॉर्मेशन मिला है, वो लोग कुछ स्ट्रैटेजी के बारे में बात कर रहे थे, वो सब ये इकट्ठा करते थे और अपने आप वो इकट्ठा करके वो नेताजी को वो सब इन्फॉर्मेशन पास ऑन करते थे। नेताजी का स्पाई सिस्टम बहुत अच्छे से फैला हुआ था। जानकारी पहुंचाने के लिए कई जरिए थे। रंगून के लोग भी नेताजी के आंदोलन में शामिल थे और INA की मदद करने के लिए हमेशा तैयार थे। दूसरे विश्व युद्ध में नेताजी और INA के सैनिक गांधी जी की इच्छा के विरुद्ध जापान के साथ मिलकर युद्ध लड़ रहे थे। उनका मानना था कि दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त है। दिन बीत रहे थे और हम ज्यादा खतरे उठाने लगे थे। INA को हथियारों की जरूरत थी और अंग्रेजों के पास कमी नहीं थी। नेताजी का कहना था कि अभी अंग्रेज कमजोर हैं, क्योंकि उनका ध्यान युद्ध पर है। अगर अभी वार किया गया, अंदर से भी और बाहर से भी, तो हम उन्हें हराने में कामयाब हो सकते हैं। हमारे कमांडर हमारी खबरों की बहुत कद्र करते थे। उनका कहना था कि ये छोटी छोटी खबरें लड़ाई में उनकी बहुत मदद कर रही थी। हम सबकी जिम्मेदारी थी नेताजी के इस मंसूबे को सच कर दिखाने की। नेताजी ने इनको पहले ही बोला था, तुम लोग तो इतना डेंजरस काम करते हैं, क्योंकि वो सभी समय तुम लोग स्पाइस हैं, फिर भी उनके आसपास ही रहते हैं, इतना डेंजरस है, कभी किसी को उन्होंने पकड़ लिया तो उन्होंने जिसको पकड़ लेते हैं वो अपना जान इमीडिएटली वो जान देना है और बाकी सब वहाँ से भाग जाना है। वैसे एक दिन आया। एक साल बीत चुका था और अचानक एक दिन दुर्गा तांग झांग करती हुई पकड़ी गई। मुझे उसी वक्त वहाँ से भाग जाना चाहिए था, पर मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। सरस्वती तो इतना घबराहट हो गई क्या करना है, मगर वो तो इतना स्ट्रांग लड़की थी, उन्होंने एक प्लान किया और जैसे
ये फ्रेंड को वहां से फ्री करके बाहर ले आने के लिए वो प्लान किया। दुर्गा को मुझे हर हाल में छुड़वाना था। वो मेरी साथी थी और मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती थी। मैंने बर्मा का लोकल लिबास पहन लिया और दुर्गा के जेल चली गई। दुर्गा का रोते रोते हाल बुरा हो गया था। मैंने उसे इशारा कर दिया पर मुझे बहुत डर लग रहा था। ये प्लान पूरा गलत भी हो सकता था। अगर उस अफसर को शक हो जाता तो हम दोनों मारे जाते। जैसे ही अफसर बाहर गया मैं दुर्गा के पास गई। अभी कुछ कहने सुनने का वक्त नहीं था, बस उसे वहां से निकालना था। अफसर किसी भी वक्त अंदर आ सकता था। ताला खुल ही नहीं रहा था। उनकी फ्रेंड को पकड़ के वो ब्रिटिशर्स वैसे अंदर रख रहे थे। फिर ये मनी बॉय वो एक लड़की औरत के ड्रेस पहन के, वो लोकल वूमेन का ड्रेस पहन के वहाँ जाके फिर भी ये ब्रिटिश को फंसाया और वहाँ से आपके फ्रेंड को वहाँ से पकड़ के वो दोनों भाग रहे थे। सोचने का बिल्कुल वक्त नहीं था। ये रिस्क हमें उठाना ही था। नेताजी का नाम लेके हम दोनों भाग गए। जितनी ताकत थी उतना तेज भाग रहे थे पर गोली से तेज रफ्तार नहीं थी हमारी। मेरी टांग में गोली लग गई। मैंने दुर्गा से भाग जाने को कहा और उसने कहा कि भागेंगे तो साथ, मरेंगे तो साथ। न जाने कहां से हिम्मत आई और हम दोनों फिर से भागने लगे। वो दोनों ऐसे भागे, वो ब्लीडिंग लेग से ऐसे भागे, एक जंगल के अंदर गए और वहाँ से ये दोनों एक ट्री के ऊपर, पेड़ के ऊपर चढ़ गए, वहाँ बैठ गए। हम दोनों किस तरह पेड़ पर चढ़कर बैठ गए कोई पूछे तो बताना मुश्किल था। मेरी टांग में गोली लगी थी और खून बहता जा रहा था। एक सिपाही के लिए गोली का निशान एक मेडल जैसा होता है पर उस वक्त सिर्फ दर्द हो रहा था और डर लग रहा था। तीन दिन वहाँ वो पेड़ के ऊपर बैठना पड़ा क्योंकि नीचे आने से उन्हें भय लगता था कि उन्हें फिर पकड़ लेंगे और अंदर लेके जाएंगे। और तीन दिन वहाँ बैठ के और फोर्थ डे वो दोनों नीचे आए। तीन दिनों के बाद जब हम पेड़ से नीचे उतरे तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरी टांग ही नहीं है। दुर्गा ने मुझे संभाला और मैंने उसे। एक दूसरे को हिम्मत देते हुए हम दोनों बहुत मुश्किल से पेड़ से उतरे और एक बार फिर अपनी जान बचाते हुए भागने लगे। मंजिल अभी बहुत दूर थी और खतरा अभी तक टला नहीं था। मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी। अप्पा और अम्मा भी बहुत याद आ रहे थे। मुझे नहीं पता था कि मैं कितनी देर और सह पाऊंगी। मुझे डर था शायद इसके बाद कोई नहीं जान पाएगा कि हम कहां थे और हमारा क्या हुआ। नेताजी के शब्द और देश के लिए उनका प्रेम शायद हमारे अंदर घर कर गया था। हम उन्हें निराश नहीं करना चाहते थे।
हमें कुछ भी करके अपने कैंप तक रंगून पहुंचना था। कोई 8 घंटे के सफर के बाद रंगून आ गया और हमारा कैंप भी। गिरते लुढ़कते हम आखिर कैंप आ पहुंचे। पहुंचते ही हमारी हिम्मत जवाब दे गई। आईएनए के हमारे साथी हमें देखकर दंग रह गए। उन सबको लगा था कि अब हम जिंदा नहीं बचे। उन्होंने दुर्गा के पकड़े जाने की खबर सुनी थी और ये भी कि मुझे गोली लगी थी। पर अब कोई डर नहीं था। अब हम घर आ गए थे। कुछ दिन बाद मुझे नेताजी का एक पत्र मिला। उन्होंने मुझे मेरी दिलेरी भरे प्रदर्शन की बधाई दी। उन्होंने ये भी लिखा कि इस तरह के बहादुरी से भरे कारनामे उन्हें याद दिलाते हैं कि हम किस लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 16 साल के हम शायद भारत के सबसे छोटे जासूस होंगे। मैंने उस पत्र को कई बार पढ़ा। खुशी से ज्यादा मुझे राहत मिली उन्हें निराश न करने की। और फिर वो दिन आ गया जब हिंदुस्तान आजाद हुआ। जैसा नेताजी ने कहा था ठीक वैसा ही हुआ। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश हमारा देश हमें सौंपकर यहां से चले गए। परंतु नेताजी ये देखने के लिए जीवित नहीं थे। 2 साल पहले ही यानी 18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक जापानी प्लेन क्रैश में वो मारे गए। हमें तो यकीन ही नहीं था कि वो सचमुच चले गए हैं, इसलिए उनका इंतजार करते ही रह गए। उनकी गैर मौजूदगी में आईएनए का कोई लीडर नहीं था, इसीलिए आजाद हिंद फौज के लोग तितर बितर हो गए। मैं भी 20 साल की उम्र में अपने परिवार के साथ वापस इंडिया आ गई। आजादी के बाद आजाद हिंद फौज को उन्होंने जितना बलिदान दिया उनका उनको उतना न्याय नहीं मिला है, दुर्भाग्य से। ये शर्मनाक बात है कि 1971 तक, यानी कि आजादी के बाद 25 इयर्स के बाद भी, नेताजी के जो साथी थे, जो आने वाले थे, उनको स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा नहीं दिया गया था। जब मैंने सरस्वती जी को देखा तो और उनके बात किया और मुझे लगा वो जैसे उन्होंने अपने रंगून में जो लाइफ लीड किया, वो एक्साइटमेंट, वो काम किया, उसके बारे में जो बताए थे, उस समय उनके मन में जो सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस था वो उनके बाकी लाइफ में के बारे में वो बताया नहीं है, फिर भी नहीं देखा। मुझे लगा उनके मन के अंदर ही अंदर वैसे ही एक दुख है, क्योंकि उन्हें जो किया वो लोगों को मालूम नहीं है, लोगों ने अप्रिशिएट नहीं किया, और वो वैसा एक निराशा उनके मन में बहुत था।
एक ऐसी एक औरत इतना किया है वो भारत के लिए, भारत के स्वतंत्र आंदोलन के लिए किया है, और अभी उनके वो ट्वाइलाइट लास्ट ईयर्स में ऐसा एक निराशा डिसअपॉइंटमेंट है, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? वी हैव फेल्ड हर, ये हमारा फेलियर है ये। नेताजी हमको लेटर दिया था, और तो जो हमको लेटर दिया था वो सब इधर आने के टाइम में कस्टम्स में सब पेटी की सबको सूझा लिया, क्या पहनने को भी कपड़ा नहीं दिया था, ऐसा कर दिया ना। मेरा नाम राजा मणि है, नेताजी हमको शाश्वती नाम दिया था। Like, share, subscribe, and click on the bell icon to never miss an update from Epic.